सुख शांति प्राप्त करने में, सफलता प्राप्त करने में क्वांटम जंप करनी है कि एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाओ। और सचमुच संभव है, आपको बताऊंगा कि कैसे। आत्मा का जो सबसे गहराई का हिस्सा है, जिसको कहा सुप्रा कॉन्शियस, सुप्रा कॉन्शियस को जगा दो तो कमाल हो जाएगी। और वह कैसे जगाना है, क्या करना है, सारा विस्तार से बताऊंगा। देखिए, आप सभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो फीस देते हैं ना, देते या नहीं देते बोलिए। तो मैं भी डॉक्टर हूं, मुझे फीस देंगे? अच्छा, देखो सभी नहीं बोल रहे, सोच रहे डॉक्टर साहब क्या फीस, पहले तो कहा था फ्री है, अभी कहते फीस दो। देखो मेरी फीस बहुत कम है, होम्योपैथी डॉक्टर की फीस कम होती है ना, तो मेरी फीस है 16 आने। स्वास्थ्य प्राप्ति के 16 आने, मतलब क्या पता है, 16 आना देंगे सब? अभी भी सोच रहे हैं। 16 आना मतलब 16 दिन आना, ये 5 दिन शिविर है ना, तो 5 आना देना है और दूसरे 11 आने देने। 16 आने देंगे, कौन कौन देगा 16 आना, हाथ उठाओ, चलो ताली तो बजा दो, इतने सारे 16 आना देने वाले। हाँ चंद्रिका बहन, सोचना इतने लोग 16 आना देने वाले, चलो 16 आना नहीं तो 5 आना तो देंगे ना कम से कम। जिन्होंने हाथ उठाया वह 5 आना तो पूरा देना है। तो पक्का मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आपको फायदा जरूर होगा। अगर नहीं हो ना तो पांचवें दिन मैं पैंट शर्ट पहन के आऊंगा, मेरा कॉलर पकड़ना कि डॉक्टर फायदा नहीं हुआ, बस लेकिन अभ्यास करना। यहां 5 दिन तो आना ही, लेकिन घर में भी 1 घंटा देना है, फायदा तब होगा कि बस 1 घंटा घर में भी कभी भी आप निकालो, जो बातें यहां सीखेंगे वो घर में भी अभ्यास करना तो पूरा फायदा होगा। ये जो सारी बातें बताई ना, मूविंग मेडिटेशन में सारे शरीर को व्यायाम मिलता है, सिर्फ पेट को नहीं मिलता है, थोड़ा थोड़ा व्यायाम मिलता है लेकिन पूरा पेट को व्यायाम नहीं। तो पेट के लिए थोड़ी सी स्पेशल एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। देखो करेंगे, बताऊं मैं आपको, क्योंकि पेट की चर्बी है ना सबसे बुरी है। एक बहुत अच्छी इंस्पायरिंग बात मुझे जानने को मिली, मैं कल ही परसों भुवनेश्वर में था, तो एक भाई सवेरे सवेरे आया कि मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, ऐसे शर्ट ऊपर करके दिखाता है क्योंकि यहाँ पूरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था तो उसका स्कार था। तो मैंने उसको कहा कि उसका पेट एकदम गोल मटोल था, तो मैंने कहा कि पेट कम करना पड़ेगा। कहते डॉक्टर मेरा वजन एकदम ठीक है। मैंने उसको कहा भले तुम्हारा वजन ठीक है लेकिन पेट कैसा है? कहते नहीं नहीं मेरा वजन बिल्कुल ठीक है। मुझे आश्चर्य हुआ, 5 बार उसको मैंने कहा, वो मान ही नहीं रहा कि भी मुझे पेट कम करना है। तो भल आप दुबले पतले हैं, आपका वजन जरूरत से भी कम है, परंतु अगर पेट आपका आगे आया हुआ है तो वह चर्बी बहुत बुरी है ना, डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, पाइल्स, फिस्टुला, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, सबकी समस्या आपको बढ़ेगी अगर पेट आ गया है। तो पेट की स्पेशल एक्सरसाइज करने और बड़ी सिंपल है। यह शिविर में कई लोग ये भी कहते हैं कि आप तो बड़ा सिंपल बताते हैं, दूसरे डॉक्टर तो बहुत पावरफुल एक्सरसाइज बताते हैं, हमको भी वैसे सिखाओ। देखो उसकी जरूरत नहीं है, ये सिंपल एक्सरसाइज भी करो, आपको स्वास्थ्य अच्छा करना है, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेना है तो ज्यादा करना पड़ेगा, किसी को लेना है गोल्ड मेडल तो भले ज्यादा करना, परंतु स्वास्थ्य के लिए इतना काफी। देखो पेट की एक्सरसाइज समझेंगे, हाँ करेंगे, हाँ बहने भी करना, जितना कर सको करना, और कल सलवार कमीज पहन के आना तो आप कर भी सकेंगे। हाँ क्योंकि करेंगे तो फायदा होगा, तो रोज फिर घर में जाके भी करेंगे। आपके पास नहीं है तो पड़ोसी से भी मांग के लाना, परंतु शर्म नहीं करनी, और यहाँ पे भी शर्म नहीं करनी, या कोई देख नहीं रहा है, हम सब आए हैं अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने। तो देखो आप मुझे देखो भी और साथ साथ में करो भी, हाँ सिंपल सी क्रियाएं भी आपको बहुत मदद करेगी, करेंगे ना। अच्छा
देखो एक तो लेटना है और साइकिल चलाने, मैं आपको बताता हूं एक एक, वैसे वैसे करो, मुझे देखो और करो, ठीक है। फिर दोनों पैरों से साइकिल चलाओ, उल्टी दिशा में भी चलाइए, और एक बहुत अच्छी है जो पेट के लिए बहुत जरूरी है, पैरों को थोड़ा ही उठाना है, सिर्फ 3-4 इंच उठाना है, पैरों को सीधा रख के जल्दी जल्दी हिलाना है, ज्यादा नहीं उठाना है, थोड़ा सा ही उठाना है, और ऐसे करीब 2 मिनट करो। अगर पेट में मामूली दर्द हो तो भी अच्छा है, उसका मतलब है कि पेट की चर्बी अभी पिघलने लगी है, पेट को एकदम सीधा रखना है। ये पेट का जो नीचे का हिस्सा है इसके लिए बहुत अच्छी है, तो पेट के नीचे के हिस्से के लिए जरूर करनी, और करो कम से कम 2 मिनट करो तो फायदा होगा। फिर पेट के ऊपर के हिस्से के लिए एक पैर को उठाना है, सांस छोड़ना है और ऊपर उठना है, ऐसे जितना रुक सकते रुकिए, मामूली दर्द हो तो भी अच्छा है, इसका भी मतलब है कि वह चर्बी कम हो रही है। कम से कम 15 सेकंड रुको, अगर आधे मिनट भी रुक सको तो बहुत अच्छा है। पहले सांस को छोड़ना है, फिर ऊपर उठना है, रुकना है, और फिर सांस को भरते भरते मूल स्थिति में आना है। फिर से देखिए एक बार, ऐसे होगा, सांस भरते भरते मूल स्थिति में, कम से कम 5 बार करना है। कई बार व्यायाम का कहते, लोग कहते हैं हम तो ये करते हैं, लेकिन कितनी बार करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, 5 बार जरूर करना। कर रहे हैं ना सब? अच्छा, अब दोनों पैरों से करना है, थोड़ा मुश्किल है, तो जितना भी कर सको करो। दोनों पैरों को उठाना है, सांस छोड़ना है, कंधे को ऊपर उठाना। जितना भी कर सकते हो आराम से करो, फिर ये भी अच्छा है। हाँ? पेट के लिए एक पैर को पूरा उठाना है, साइड में ले जाना है, देखो ऐसे होगा, सांस को भरना इसमें ऊपर, हाँ जितना कर सकते करिए। फिर दूसरे पैर से भी, जी करते रहना। शायद पहले दिन आप ये नहीं कर सकेंगे, लेकिन सबसे अच्छा है पूरा, फिर पहले सांस को छोड़ना है, पूरा पैरों को जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना ले जाइए, जितना आराम से ले जा सकते हैं। जो हार्ट के पेशेंट है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट, ये नहीं करेंगे, हाँ, और आप जितना आराम से कर सकते करिए। धीरे धीरे करते रहेंगे तो हर सप्ताह आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, हाँ, ऐसे करना। हाथों को पीछे लेना है, ना, सांस को छोड़ना है और पूरा पीछे जाना है,
लीजिए, स्लोली, जितना आप नहीं कर सको कोई बात नहीं, थोड़ा भी कर सको करो, तो इससे पेट की चर्बी कम होगी। अच्छा, अब जब भी उठना है इसमें से कैसे उठेंगे, राइट साइड में मुड़ना है, हाथ का लेफ्ट हाथ का सपोर्ट लेना है और फिर उठना है, नहीं तो कहीं पर पेन होने लगेगा, ऐसे उठना है। ओम शांति। किया सभी ने, थोड़े लोगों ने किया। अच्छा, कल तैयारी करके आना है, खाना खा के नहीं आना है, घर जाके खाना खाना है ना, कुछ फल खा के आ सकते हैं, अगर आपको भूख लगे तो करीब 6:30-7 बजे कुछ फल खा लो और फिर आइए, तो कोई हर्जा नहीं। तो ऐसे पेट की एक्सरसाइज और भी बहुत सारी बताऊंगा, काफी हो सकती है, वैरायटी को समझ लेना है, वैरायटी को सीख लेना है और फिर धीरे धीरे अलग अलग क्रियाएं जितनी आप कर सको करना है। हाँ, पहले मैं भी नहीं कर सकता था, शिविर 1-1.5 साल पहले शुरू की तो तब इससे 25% भी नहीं कर सकता था। हाँ, अभी जब करने लगा तो और उत्साह बढ़ गया, तो आप भी करेंगे तो आपका उत्साह और भी बढ़ जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसे कहा कि आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना है। देखिए, आप शरीर से बीमार होंगे तो आप थोड़े दुखी होंगे, आपको बुखार होगा, आपको दर्द होगा, दुखी होंगे, नींद नहीं आएगी, परंतु घर वाले तो आराम से सोएंगे। देखिए, हाँ, जो डिप्रेशन के पेशेंट है, जो मन से बीमार है, वो क्या करते हैं, खुद तो दुखी नहीं होते परंतु सारे परिवार को दुखी करते हैं ना। किसके घर में डिप्रेशन का पेशेंट है, हाथ उठाओ, डिप्रेशन के पेशेंट है ना, देखो सबको दुखी करते हैं ना। तो इसलिए मन का स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट है, और सबसे उससे भी बड़ी बात है कि आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना ना। परमात्मा ही मेरा सच्चा सहारा है, जो कुछ भी प्राप्त करना है सब कुछ परमात्मा से प्राप्त करना है, बस इस बात को एक पक्की कर लो। एक बहुत प्रेरणादायक कहानी है, ध्यान से सुनना, सब सुन रहे हैं ना कि अहमदाबाद में चक्कर लगा रहे हैं। हाँ, एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को पूछा कि सत्य और ब्रह्म में क्या फर्क है, तो एक लड़का अपनी कुर्सी से कूद पड़ा, कहते हैं सर आप बोल रहे हैं वह सत्य है और आप समझो कि हम सुन रहे तो आपका भ्रम है। अरे ताली बजा रहे, कमाल की बात, मेरा भ्रम तो नहीं ना कि आप सब सुन रहे। एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी, बहुत कोशिश की। एक बार एक तांत्रिक आया, तांत्रिक ने कहा कि अगर आप एक छोटे बच्चे का बलिदान दे दो तो आपके घर में संतान होगी। सोचा बहुत बड़ी विटंबना है, अब क्या करे, तो ये विचार किया कि भी जो बलिदान देने के लिए तैयार होगा अपने बच्चे का, उसको हम माला माल कर देंगे। तो ऐलान किया गया, एक बहुत ही गरीब परिवार था, उन्होंने सोचा कि भी खाने को भी नहीं है, सारे भूखे मर रहे हैं, हमारे 3 बच्चे हैं, चलो एक बच्चे का बलिदान दे देते हैं। बहुत चर्चा हुई, जैसा कि हमेशा होता है, वो बीच का बच्चा हमेशा बलि का बकरा बनता है। तो ये निर्णय किया गया कि बीच वाला है ना, उसको राजा के पास भेज देते हैं। तो जब राजा के पास भेज दिया गया तो थोड़े दिन में उसको पता चल गया, हाँ, कोई दासी ने कह दिया कि तुम्हारा तो बलिदान देने वाले हैं। तो अभी क्या करे बेचारा। हाँ, एक दिन सवेरे सवेरे उठ के राजमहल के नीचे मिट्टी के घर बना रहा था। पहले उसने एक मिट्टी का घर बनाया, उसको देखता रहा और तोड़ दिया, फिर दूसरा मिट्टी का घर बनाया, उसको भी देखता रहा और उसे भी तोड़ दिया। राजा भी ऊपर से देख रहा था, फिर उसने तीसरा घर बनाया, तो तीसरे घर को बना के देखता रहा, आंखों से आंसू आ गए बस, और उसको देखता ही रहा, उसको नहीं तोड़ा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ,
उसको बुला के पूछा, बेटे क्या बात है, सच सच बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा, राजा जी मुझे पता चल गया कि माँ बाप ने मुझे बलि के लिए यहाँ भेजा है, आप अभी मैं तैयार हूँ। हाँ, मैं पहले तो तैयार नहीं था, जब पता चला अभी मैं तैयार हूँ, भले मेरा बलिदान दे दो। राजा ने कहा, नहीं नहीं तुम बताओ कि ऐसा तुमने क्यों किया। तो लड़के ने कहा, राजा जी हाँ माता पिता तो जन्मदाता होते हैं, तो इसलिए मैंने माँ बाप के लिए पहला घर बनाया, परंतु जब उसको देखने लगा तो लगा कि मेरे माँ बाप तो अच्छे नहीं हैं, देखो मरने के लिए मुझे राजा के पास भेज दिया, तो मैंने वो घर को तोड़ दिया। फिर दूसरा घर मैंने आपके लिए बनाया। कहते हैं कि राजा तो प्रजा का पालनहार होता है। फिर उसको देखता रहा तो मुझे लगा हमारा राजा तो अच्छा नहीं है, देखो अपने स्वार्थ के लिए मेरा बलिदान देने जा रहा है, तो उसको भी मैंने तोड़ दिया। फिर पूछा, तीसरा घर क्यों बनाया? कहा कि तीसरा घर है ना, मैंने भगवान के लिए बनाया। और जब उसको देखने लगा तो बहुत अच्छा लगा कि अभी मैं भगवान के पास जाऊंगा, मेरा रक्षक तो केवल एक भगवान है और कोई नहीं है, तो इसलिए मैंने उस घर को नहीं तोड़ा। तो राजा भी बड़ा भावुक हो गया, उसने सोचा बच्चा तो ठीक बात करे, बड़ा समझदार है, मुझे तो प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। तो क्या किया, उसी को राजकुमार बना दिया। तो देखिए भगवान ही एक सच्चा रक्षक है। बल शरीरधारी भी मित्र संबंधी भी प्यार देते हैं, परंतु कहीं ना कहीं छोटा सा भी स्वार्थ जरूर है। और भी आपको विस्तार से इस बात को बताऊंगा। हाँ, नफरत पैदा नहीं करनी है, संबंध जरूर निभाना है, परंतु मन बुद्धि का तार परमात्मा के साथ जोड़ना है। और एक जो बहुत जरूरी चीज है, हाँ, कोई भी आप प्राणायाम सीखो, उससे पहले सही सांस लेना सीखो। आज हमारे में से 30-40% लोग गलत सांस लेते हैं। आपको जानना है आप सही सांस लेते हैं या नहीं, हाँ या ना? अच्छा, सभी खड़े हो जाएंगे एक बार। ये राइट हाथ पेट पे रखिए और 3-4 गहरे सांस लीजिए, और ये चेक करिए कि आप गहरा सांस लेते हैं तो पेट अंदर जाता है या बाहर आता है ना, चेक करो। किया चेक? कौन कौन समझते हैं कि जब आप सांस भरते हैं तो पेट अंदर जाता है? हाथ उठाइए। सच अंदर जा रहा है? बाप रे, आप सब गलत सांस ले रहे। सचमुच जब जब गहरा सांस लेंगे तो पेट बाहर आना चाहिए। क्यों? इसका वैज्ञानिक कारण भी है। छाती और पेट के बीच में बहुत बड़ा मांसपेशियों का पर्दा है। अगर आपको गहरा सांस लेना है तो उस पर्दे को नीचे दबाना पड़ेगा, और इसको नीचे दबाएंगे तो पेट का क्या होगा? पेट आगे आएगा। और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अभी भी विश्वास नहीं आता हो ना, तो छोटे से बच्चे को देखो। बच्चा जो सांस लेता है वो सही लेता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं गलती करते हैं। हाँ, कई बार टीवी में भी आप गलत देखते हो। अभी भी विश्वास नहीं आता हो ना, तो कोई कार्डियोलॉजिस्ट को पूछो। यहाँ है कोई कार्डियोलॉजिस्ट? हाँ, कोई है? कोई नहीं? अच्छा, हाँ तो कोई कार्डियोलॉजिस्ट को पूछना। वो आपको MBBS डॉक्टर को भी पता नहीं होता। और ये बात बिल्कुल से, और सांस पेट में नहीं जाता है। सांस तो जब आप गहरा सांस लेते हो यहाँ नीचे के हिस्से में जाता है, कि जो सबसे जरूरी है, नहीं तो हम यहां तक ही सांस लेते। अब ठीक कैसे करना है? देखो, कईयों का ठीक हो जाएगा। फिर से हाथ रखिए। 3 बार सांस को छोड़ना है फोर्स से, और पेट को अंदर खींचना है, और फिर सांस को भरना। ऐसे होगा। हुआ? हुआ? किसका किसका हुआ? हाथ उठाइए। ठीक हुआ?
अच्छा देखो ताली तो बजा दो, इतनों सारों का सांस ठीक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी भी कईयों का नहीं हुआ होगा। हाँ एक काम करो, देखो ऐसे आप सांस लेंगे ना तो असंभव है, गलत सांस ले ही नहीं सकते। मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा हम करेंगे, हमारे मेहमान भी आ गए हैं, फिर आप घर में ज्यादा अभ्यास करना इसका। ऐसे करना है पता है, पेट पे सोना है, हाथ को ऐसे मोड़ना है, दाढ़ी को वहां रखना और फिर करना है। हाँ मैं भी करता हूं, आप सब भी करो, ऐसे लेट के फिर सांस लो, देखो पेट में गहरा पेट ही हिलेगा, जब सांस भरेंगे पेट बाहर आएगा, सांस बाहर आएगा पेट अंदर जाएगा। देखो ऐसे करना है, सब करेंगे ना साथ में, हाँ करिए करिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। यहाँ शिविर से और कुछ भी नहीं सीखा, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है, परंतु ये एक बात को ठीक करके जाइए, आपको बहुत फायदा होगा। और अभी देखो सांस लो तो गहरा ही होगा, सांस भरेंगे पेट बाहर आएगा, सांस बाहर आएगा पेट अंदर जाएगा, असंभव है इसमें उल्टा सांस लेना। हाँ करते रहिए, अभी देखो सीधे सो जाइए, हाँ अभी पीठ पे सो जाइए और फिर से देखो हो रहा है ठीक, सांस भरेंगे पेट बाहर आना चाहिए, सांस बाहर आएगा पेट अंदर जाना चाहिए। ना देखो चेक करो, कम से कम घर में ज्यादा करना, घर में जाके कम से कम 10 मिनट पेट पे सो के सांस लेना, फिर सीधा पीठ पे सोना और फिर से लेना, ऑटोमेटिक हो जाएगा। हो रहा है, भले बैठिए। हाँ कैसे बैठना है, राइट साइड में मुड़ना है, राइट साइड में मुड़ो, लेफ्ट हाथ का सहारा लेके उठना है। अच्छा हुआ, किसका किसका हुआ, सबका हुआ ना, बहुत अच्छा। और ये इतना अभ्यास हो जाए कि एक दो महीना करो और फिर जब सो जाओ ना तो भी किसको कहो कि चेक करो पेट हिलता है या नहीं, नहीं तो पेट पे न्यूज़पेपर रख दो और फिर चेक करो कि सांस भरेंगे न्यूज़पेपर ऊपर आना चाहिए, सांस बाहर आएगा न्यूज़पेपर अंदर आना चाहिए, इसका मतलब कि सही हो गया। तो ये जरूर करना, रोज आपको एक एक स्लोगन भी देंगे ना। आज का स्लोगन सुनना है, देखो आज से 8 महीने पहले मैं बंबई में टैक्सी में जा रहा था तो टैक्सी वाला बहुत कुछ ज्ञान की बातें सुनाने लगा, मुझे आश्चर्य हुआ कि पहचान भी नहीं हुई ज्ञान की बातें सुना रहा है। तो 15-20 मिनट के बाद कहता है, साहब आपको बोर तो नहीं किया? मैंने कहा बहुत अच्छा लगा, आप भी कितने ज्ञानी है। कहते आपको नहीं सुना रहा था, मेरा पक्का कर रहा था। देखो आपने आज जो सुना है वो अगर पक्का करना है हाँ, उसका सबसे अच्छा उपाय है औरों को सुनाओ। हाँ कल जो भी मिल जाए ना, आस पड़ोस में, दुकान में, ऑफिस में जो भी मिले उसको ये बातें सुनाओ कि सांस कैसे ठीक करना है, एक्सरसाइज कैसे करनी है, 7 नियम कौन से, जितना भी याद रहा है सुनाओ। तो इसलिए आज का स्लोगन है, आमतौर पर ऐसे शिविरों में कहते कि किसको नहीं बताना, हमने जो सिखाया है अपने आपके लिए, औरों के लिए नहीं है। परंतु ब्रह्मा कुमारीज में एकदम उल्टी बात है कि सबको, जितनों को सुनाएंगे अच्छा है। इसलिए आज का स्लोगन है रीच ऑल टीच ऑल, हाँ सब तक पहुंचो सबको सिखाओ। क्या है आज का स्लोगन बोलिए, रीच ऑल टीच ऑल। तो कम से कम एक एक को तो सिखाएंगे ना, हाँ या ना, कम से कम एक को तो सिखाएंगे। देखो अभी तक मैंने चंद्रिका बेन से परमिशन नहीं लिए, फिर भी आपको बताता हूं कि आप अगर हाँ कल 5 लोगों को सिखाओ और 5 को यहां ले आओ तो मेरी ओर से आपको इनाम दूंगा। दे सकते ना बहन जी? हाँ बिल्कुल, हाँ सबको दे सकते हैं, हाँ मेरी ओर से देंगे अच्छा सा इनाम, जो आपके काम की चीज ऐसी देंगे ना। तो 5 लोगों को ले आएंगे, कौन कौन ले आएगा हाथ उठाओ, संकल्प तो करो कम से कम। हाँ संकल्प करेंगे तो 4 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे और जरूर इनाम देंगे, मैं पूछूंगा भी, लेकिन 5 लोग यहाँ हाजिर होने चाहिए। और मुश्किल नहीं है, आज तक भी हमने शिविर में किया है। आप अगर लोगों को ये नहीं कहो शिविर में चलो, उनको बताओ कि यह शिविर में क्या क्या सिखाया गया,
और फिर आप कहेंगे तो ऑटोमेटिक आएंगे। और अभी अंत में इन पंक्तियों के साथ पूरा करता हूं, इसके बारे में सोचना, और फिर भी जाना नहीं है, सवेरे कहीं लोग उठने लगे, उठना नहीं है, भी थोड़ा छोटा सा कार्यक्रम है, 15 मिनट का ही कार्यक्रम है, लंबा नहीं है, छोटा सा है, और उसमें भी आपको बहुत कुछ फायदा होने वाले है। हंसने की बात आपको बताई ना, हंसना आता है सबको, हाँ कैसे पता चलेगा? अच्छा हाँ, तो देखो आपको हंसना सिखाने वाले, और इनॉग्रेशन भी करेंगे हम। अच्छा ओके, है छोटा सा, इसलिए प्लीज उठना नहीं, इन पंक्तियों से पूरा करूंगा, और फिर इसको आप और भी आगे ले जा सको इसलिए कई किताबें भी हमने पुरुषार्थ करके उपलब्ध कराई, कुछ सीडीज भी उपलब्ध कराई, जैसे आपको सिखाया ना पूरा ये जो मूविंग मेडिटेशन है उसकी एक सीडी है, प्राणायाम और व्यायाम की, जिसके द्वारा सभी 15 क्रियाएं आप सीख सकते, और भी कई टाइटल्स है, आगे आपको बताएंगे भी जो भी हमारे काउंटर पर प्राप्त हो गए, काफी आध्यात्मिक लिटरेचर है जो भी आपको मदद रूप हो सकता है। तो इन पंक्तियों से पूरा करता हूं। यात्रा में होती है शिकायत मुसाफिर को, होती है ना, इसीलिए तो रेलवे में भी रिजर्वेशन होता है, परंतु कुछ तो करो उस लंबी यात्रा के लिए जहां ना स्टेशन ना टिकट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ॐ शान्ति शान्ति ॐ शान्ति शान्ति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। आप सभी अपने मन को शांत बनाकर दिल से बोलिए ओम शांति। अभी 15-20 मिनट के लिए हम कुछ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। जो ज्ञान हमारे ध्यान के लिए, राजयोग के लिए बहुत ही आवश्यक है। कहा जाता करो योग छोड़ो भोग तो छूटे रोग। आदि व्याधि और उपाधि से छूटने के लिए चौथा शब्द ऐड कर लेवे समाधि। और समाधि का अर्थ होता है ध्यान, राजयोग, मेडिटेशन। प्रजापिता
ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा खजाना संजीवनी बूटी वो है राजयोग। पिछले 35 साल के हमारे अनुभवों के आधार पर मैं इसी बात के निर्णय पर आ गई हूं कि मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन। सचमुच ये राजयोग अर्थात आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन, कनेक्शन, कम्युनियन और कॉन्वर्सेशन, अपने को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा के साथ बात करना, परमात्मा के गुणों को अपने जीवन के अंदर धारण करना, उसी को राजयोग कहा जाता है। ये राजयोग एक मेंटल टोनिक का काम करता है, नेचुरल ट्रैंक्विलाइजर का काम करता है। जैसे शरीर को अगर तंदुरुस्त बनाना है तो फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़े, वैसे मन को अगर तंदुरुस्त बनाना है तो उसके लिए मेंटल एक्सरसाइज है मेडिटेशन, राजयोग। जब डॉक्टर गिरीश पटेल जी ने बताया कि 80% से भी ज्यादा बीमारियां मानसिक तनाव के कारण होती है, तो यह अंडरस्टूड है कि हम अपने मन को साउंड एंड स्टेबल, काम एंड क्वाइट, प्योर एंड पॉजिटिव बनाए। कहा जाता जिसका मन स्वस्थ है उसका तन भी स्वस्थ रह सकता है। तो मन की स्वस्थता के लिए चाहिए राजयोग, और राजयोग के लिए चाहिए सबसे पहला कदम आत्मा का परिचय, नो थाई सेल्फ। पहले हम अपने आप को जान लेवे। इस शरीर को चलाने वाली जो चेतना शक्ति मेटाफिजिकल एंटिटी, उसको हम आत्मा कहते हैं। जैसे विवेकानंद जी ने देखा, जब रामकृष्ण परमहंस जी ने देह छोड़ा, उस समय विवेकानंद जी को यह साक्षात्कार हुआ कि रामकृष्ण परमहंस के शरीर से एक प्रकाशमय सितारा निकलता हुआ देखा। तो ऐसी चैतन्य शक्ति जो इस हार्ड मस्ती के बने हुए शरीर को कंट्रोल करती, चलाती, ड्राइव करती, वो चैतन्य शक्ति कौन है, क्या है, कहाँ रहती है, इन सभी बातों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आध्यात्मिक स्वास्थ्य के बिना मानसिक, शारीरिक या सामाजिक स्वास्थ्य प्राप्त करना ये बहुत ही मुश्किल है। और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए सबसे पहली बात है कि हम आत्मिक स्थिति में स्थित रहे, हम सोल कॉन्शियस रहे। ये शरीर पंच महाभूतों का बना हुआ एक बहुत ही सुंदर, यूनिक, डिवाइन मंदिर है, और इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर विराजमान चैतन्य शक्ति आत्मा एक दिव्य मूर्ति है। शरीर के अंदर आत्मा का निवास स्थान भ्रुकुटी के बीच में, जस्ट इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड,
दोनों भ्रमर के बीच में जो जगह है, जहां पर हम तिलक करते, बिंदी लगाते, कहा जाता भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो ये दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा जो इन आंखों से देखी नहीं जा सकती, लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं, और वह चैतन्य शक्ति आत्मा अणु और परमाणु से भी इतनी सूक्ष्म है, लेकिन बहुत ही पावरफुल है। एक सेकंड में शरीर छोड़कर आत्मा यहां से अमेरिका, लंदन या ऑस्ट्रेलिया भी जा सकती है। ऐसी पावरफुल सत्ता, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी, शक्तियों का केंद्र बिंदु हमारे ललाट के बीच में 3 सेंटीमीटर अंदर, जहां पर हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस है, वहां आत्मा का निवास स्थान है। और आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार की बनी हुई है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज मुख्य 7 गुण है, और 7ों ही गुणों में जब आत्मा संपन्न बनती है तो उसको सतो प्रधान कहा जाता। ज्ञान स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप, प्रेम स्वरूप और शक्ति स्वरूप आत्मा। जब ये 7 गुण अच्छी तरह से हमने अपने अंदर विकास किए हुए हैं, तो इन 7 गुणों के आधार पर हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत ही अच्छी रहती है। क्योंकि आत्मा के अंदर जब विकारों की प्रवेशता होती है, तब शरीर के अंदर व्याधि आते हैं, बीमारियां आती है। बीमारियों का कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, चिंता, भय, घृणा, नफरत, यही तो आत्मा की बीमारियां हैं। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए सबसे पहला कदम अपने को ये हड्डी मांस का शरीर मत समझो, लेकिन इसी शरीर के अंदर भ्रुकुटी में विराजमान एक प्रकाश बिंदु शक्तिशाली आत्मा समझो। मैं आत्मा इन आंखों के द्वारा, इस आंख रूपी कैमरा के द्वारा देख रही हूं। मैं आत्मा इस मुख रूपी माइक के द्वारा बोल रही हूं। मैं आत्मा कानों के द्वारा सुनने वाली, हाथ पांव के द्वारा कार्य करने वाली, इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति प्रकाश बिंदु भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान एक चेतना शक्ति हूं। तो आज हम एक प्रैक्टिस करेंगे, कल शाम को आप आओ, तब तक एक अभ्यास करना, एक एक्सरसाइज करना कि आप जिन भी व्यक्तियों के कांटेक्ट में आते हो, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, कोई भी है, लेकिन हर व्यक्ति के, हर इंसान के संपर्क में आते समय आप उसकी भ्रुकुटी में विराजमान आत्मा समझकर बात करना, आत्मा समझकर व्यवहार में आना, आत्मा के असली गुणों में स्थित होकर व्यवहार करना,
ये अभ्यास जीवन के अंदर बहुत ही आवश्यक है। कहा जाता आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और परचिंतन पतन की निशानी है। ये आत्मा के गुणों को अगर जीवन के अंदर अच्छी तरह से धारण किए जाए तो मुझे लगता है कि हम होलिस्टिकली हेल्दी सर्वांगी स्वास्थ्य को अच्छी तरह प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी चैतन्य शक्ति आत्मा अपने को समझकर हम कुछ सेकंड के लिए आत्मचिंतन का अभ्यास करेंगे। अपने शरीर को कंप्लीटली रिलैक्स कर दीजिए। कुछ सेकंड के लिए अपना ध्यान अपनी सांस की गति की तरफ एकाग्र कीजिए। एक एक सांस को देखते रहिए। हमारा मन और तन संपूर्ण रीति से हल्का विश्राम अवस्था में रिलैक्स स्टेज में है। धीरे धीरे अपना ध्यान भ्रुकुटी के बीच में ले जाइए। मन के अंदर एक चित्र पैदा कीजिए। मेरे ललाट के बीच में भ्रुकुटी के बीच में एक अति तेजोमय प्रकाश बिंदु चमकता हुआ दिव्य सितारा विराजमान है। शक्तियों का केंद्र बिंदु चैतन्य ज्योति बिंदु भ्रुकुटी में विराजमान। मैं एक आत्मा हूं। इस शरीर को कंट्रोल करने वाली मैं आत्मा हूं। इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान एक दिव्य मूर्ति मैं एक आत्मा हूं। इन आंखों के द्वारा मेरे आत्म बंधुओं को देख रही हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी
चैतन्य शक्ति हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा, परम शांति का अनुभव कर रही, विचारों की गति अति धैर्यवत शांत होती जा रही है। ओहो, दिव्य शांति परम शांति अद्भुत अलौकिक शांति शांति। ओम शांति। सभी खुल के जवाब क्यों नहीं देते पता है? समझते हैं कि यह कोई धर्म का शब्द है, परंतु ओम शांति वह धर्म का शब्द नहीं। ओम शब्द के कहते 108 अर्थ है। ओम स्व का वाचक भी है, ओम अर्थात मैं आत्मा। और जब ओम शांति कहते हैं तो यह भाव है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। दूसरा, ओम का अर्थ है परमात्मा का स्वागत हो, वेलकम टू गॉड। ओ उ और म तीन हिस्से में बांट सकते हैं। ओ का अर्थ है आचरण, उ अर्थात उच्चारण और म अर्थात मनन, कि इन तीनों में शांति हो। तो इस भाव से ओम शांति कहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। अच्छा, ओम शांति। आज व्यायाम ध्यान या मूविंग मेडिटेशन की जो 14 क्रियाएं हमने कल कुछ क्रियाएं की थी, आज सारे की सारी करेंगे, तो उसको समझना जरूरी है, क्योंकि जितना आप अच्छी तरह से समझेंगे अधिक फायदा होगा। और अनेक बीमारियों में व्यायाम ध्यान से फायदा होता है। अधिकतर लोग यह समझते हैं कि कुछ दो चार विशेष क्रियाएं हमको बता दो। विशेष क्रियाएं भी कुछ मदद करेगी, परंतु ये सारा प्रोग्राम अगर आप आधा घंटा करें तो अधिक मदद मिलती है। कैसे मदद मिलती है? कि यह मूविंग मेडिटेशन से सबसे पहले तो मन शांत हो जाता है,
मन शांत होने से, तनाव मुक्त होने से अनेक बीमारियों में फायदा होता है। दूसरा, रोग प्रतिकारक शक्ति में भी वृद्धि होती है, और सभी अंगों को व्यायाम मिलने से आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। तो पूरा प्रोग्राम करना है, कम से कम एक मास पूरा व आधा घंटा सीढ़ी बजा के भी, या तो अपने आप उसका अच्छी तरह से अभ्यास करना आवश्यक है। इन क्रियाओं को थोड़ा समझ ले, सभी एक बार खड़े हो जाएंगे। यह मूल स्थिति है, हर क्रिया के अंत में इस स्थिति पर हम आ जाते हैं। ऐसे नहीं रखना है हाथ, हाथ को नीचे रखना है, और जितना नजदीक रख सके उतना नजदीक रखना है, और जो भी संवेदना हो रही है उसको फील करना है। कल भी बताया था, कुछ दिन यह भी अभ्यास करिए, ऐसे ऐसे घुमाना भी है धीरे धीरे, ताकि वह जो कंपन हो रहे हैं, गर्मी का अनुभव होता है, हाथ एक दूसरे की ओर खींचे जा रहे हैं, वह अनुभूति आपको ज्यादा से ज्यादा होगी। ऐसे भी करिए, देखिए जब वह अनुभूति ज्यादा होने लगे, अर्थात कि आपकी ये जो चैनल्स है वो खुलने लगी है, जो ऊर्जा को घूमने के रास्ते हैं वह ओपन होने लगे, तो उससे ऊर्जा ज्यादा बढ़ेगी, और हर स्थिति में कंपन या कोई ना कोई फीलिंग्स हो उसी में खो जाना है। अच्छा, फिर जो अलग अलग नाम दिए हैं वैसे ही नाम है कि जिससे उसका भाव भी समझ में आ जाएगा। जो सबसे बेसिक क्रिया है जिसको कहा पहला अभ्यास, हाथों को ऐसे रख के फिर ये चिंतन करना है कि ये जो ऊर्जा है वह एक अर्ध गोलाकार बलून में भर रही है, अर्ध गोलाकार बलून में यह ऊर्जा भर रही है, बलून छोटा हो रहा है, और सारी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करे। जब हाथ नजदीक आए तो सारी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। हाँ देखो, ऐसा नहीं करना है, वो भाई साहब ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आधा गोला नहीं बना, आधा सचमुच आधा गोला बनना चाहिए कि उसमें ऊर्जा भर रही है। अब कम हो रही है, और फिर व्यायाम का भी फायदा हो इसलिए जब गीत बजना शुरू होता है तब स्लोली ये करना है, हाथ फैले साथ साथ पैर को भी उठाने, साथ में हो, दोनों साथ में, ऐसा नहीं करना, ये गलत है, ये हाथ यहीं रह गया, इसको भी उठाना है। और चिंतन क्या है, हर क्रिया का चिंतन याद रखने की कोशिश करिए, चाहे तो लिख भी लेना। इसमें चिंतन है, जो भी संवेदनाएं हो रही है, जो भी फीलिंग्स हो रही है, बस उसी में खो जाता हूं, उसी में समा जाता हूं। दूसरा है बॉल से खेलना, जब छोटे थे तब बॉल से खेलते थे ना, ऐसे ही सोचिए कि ऊर्जा का बॉल है। हाँ, सचमुच धीरे धीरे कर, ऐसे ऐसे नहीं, इतना जल्दी जल्दी बॉल नहीं घूमेगा, धीरे धीरे कर रहे कि बॉल जमीन को लग रहा है, आपके हाथों को लग रहा है, और हाथों को लगता है तो सचमुच करंट लग रहा है, फिर एक पैर भी, फिर दूसरे हाथ से, फिर दूसरा पैर, फिर दोनों से। और विचार क्या है, सचमुच सोचिए वर्तमान में जो आप प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, जो भी समस्याएं आपके जीवन में हैं, वह समस्याएं और कुछ नहीं परंतु सिर्फ एक खेल है। खेलने में कैसे आनंद आता है, ऐसे इन समस्याओं का समाधान करने में भी मुझे आनंद आ रहा है, खेल खेल में मैं ये कर रहा हूं। कमेंट्री को भी ध्यान से सुनना, जब कैसेट बजे तब वह शुभ चिंतन को ध्यान से सुनना, उसको याद रखने की भी कोशिश करना। तीसरा है हाजी का अभ्यास, सचमुच जैसे हाजी कहते हैं ऐसा ही है, कि पहली बार धीरे से करते, जैसे किसको कहते हैं हाँ मैं ये काम कर दूंगा, ऐसे धीरे से है,
फिर दूसरी बार और थोड़ा ज्यादा करते, तीसरी बार एकदम पूरा पीछे झुकना, एकदम आगे झुकना, इससे और सचमुच सोचिए कि मैं हाँ जी कह रहा हूं, जीवन में हार्मनी आ रही है। ब्रह्मा कुमारी इसके प्रमुख दादी प्रकाश मणि जी कहते हैं कि हार्मनी मतलब क्या पता है, दो हिस्से में बांट दो, हार और मानी। कहते हार को मान लो, जब कोई भी समस्या हो तो सो हार मान लो तो हार्मनी हो जाएगी। तो हमें हाँ जी कहना है। तीसरा है पैरों से गोलाकार बनाना। चौथा, एक पैर को उठाना है थोड़ा, जितना कर सको, पहले थोड़ा कर सको बोले थोड़ा करो, इतना ही करो, फिर जब स्टेबिलिटी आए और ज्यादा भी करिए, जितना हो सके पीछे ले जाना है। पीछे ले जाएंगे तो आगे मुड़ना पड़ेगा, थोड़ा आगे मुड़ेंगे पैर एकदम पीछे जाएगा, जितना जा सके उतना ले जाते हैं। फिर जब गीत बजना शुरू हो दूसरे पैर से करते हैं, और विचार क्या है कि मैं आत्मा ऑर्डर दे रही हूं। कोकिला बेन ने बताया कि मैं वह ज्योति बिंदु आत्मा हूं, तो मैं आत्मा ही पैरों को ऑर्डर दे रही हूं कि आगे हो जा, साइड में हो, पीछे हो। अब करके देखना, इतना आनंद आएगा। सब क्रियाओं के दौरान भी सोचो कि मैं आत्मा ही यह शरीर को ऑर्डर देके ये सारी क्रियाएं कर रही हूं, एकदम न्यारे हो जाएंगे। नेक्स्ट सबसे अच्छी है इंद्रधनुष बनाना। अगर फायदे की दृष्टि से देखो तो सूक्ष्म फायदे इसमें सबसे अधिक है। हाथों को एकदम नजदीक रखना है, शुरू में जाए तो टच भी कर दो और फिर थोड़ा सा अंतर रखना। और यह सोचिए कि उंगलियों में एक पेंट ब्रश है कि जिससे आप इंद्रधनुष बना रहे हैं। अर्ध गोलाकार इंद्रधनुष बन गया है। हाथ को सर पे लाना है और लेफ्ट साइड में देखना है, फिर पूरा झुकना है, जितना झुक सको पूरा झुकिए, देख लीजिए मुझे एक बार और फिर आप ट्राई करना। एक साइकिल पूरा हो गया, अब चेंज करना है। अब राइट उंगली को देखिए और ऐसे पूरा झुकना है। और चिंतन क्या है कि सचमुच हाथों से वाइब्रेशंस निकल के आपके शरीर के अलग अलग अंगों में जा रहे हैं। आपको विस्तार से बताएंगे कि अलग अलग अंगों को विभिन्न गुणों की आवश्यकता है। जैसे ब्रेन को ज्ञान चाहिए, फेफड़ों को शांति चाहिए, तो एक एक गुण अंगों में जा रहा है। अब कमेंट्री को ध्यान से सुनना, वह सारी बात और भी क्लियर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है आसमान में देखना, हाथों को एकदम नजदीक रखना और सचमुच ऊपर आसमान में देखना है। जितना आप मुड़ सकते, अगर चक्कर आ रहे तो कम मुड़ो, जितना आप मुड़ सकते मुड़िए ऊपर और देखिए आसमान कितना विशाल है। आसमान जैसे विशाल है ऐसे ही मेरा हृदय भी विशाल हो रहा है। आसमान की तरह मैं भी उदार चित्त बन रहा हूं, यह चिंतन करना है। यह बैक के लिए बहुत ही अच्छी है। फिर है टनल से शक्ति प्राप्त करना। हाथों को ऐसे रखना, एकदम नजदीक रखना है, थोड़ा सा एकदम थोड़ी सी जगह हो, सचमुच ये सोचो कि टनल बन गई है और परमात्मा जो ज्योति बिंदु है उनसे शक्ति लेनी। हाथों को एकदम ऊपर लेना है, जितना ले जा सको, उंगलियों के बल पर ऊपर उठना है, हाथों को भी खींचना है, जितना खींच सको खींचो और फिर नीचे लाके पूरा बैठ जाना है, जितना बैठ सको।
जिनको घुटनों में दर्द है या पैरों के बल पर नहीं बैठ सकते, भले नहीं बैठो, थोड़ा सा झुको और यह सोचो कि सचमुच ये टनल हो गई और यहां से शक्ति मिल रही है, परमात्मा का पावर आत्मा को मिल रहा है, वो पूरा विजुअलाइजेशन हो। जितना आप सोचेंगे एक्सरसाइज का भी फायदा है, जैसे फ्रोजन शोल्डर में बहुत अच्छा है, जिनको न्यूरोपैथी होती है उसके लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। इसके बाद है चोर पुलिस का खेल। हम सब में एक चोर है, आप एक साल तक अगर नियमित इसका अभ्यास करेंगे तो माउंट आबू में आपके लिए एक एडवांस कोर्स रखेंगे। हाँ, उस एडवांस कोर्स में दादी जी बताते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि मैं डॉक्टर हूं तो फीस दो, तो दादी तो आध्यात्मिक लीडर है तो दादी कहती दान दो। क्या दान दो? अपने अवगुणों का दान दो। और जब भी पूछते हैं ना कि दान दो, तो 70% लिख के देते हैं कि क्रोध का दान दे रहे हैं, क्योंकि क्रोध सबको तकलीफ देता है। तो ऐसे ही आप में जो भी यह अवगुण है वो चोर के समान है, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, सेंसिटिव नेचर, सोचो कि वो चोर है और उस चोर को पकड़ के मार देना है। कैसे करेंगे देखिए, हाँ एक्सरसाइज का भी फायदा होना चाहिए। पूरा पैर को आगे ले जाना है, पीछे का पैर पीछे ले जाना है और हाथों से जकड़ के उस रावण का गला दबा देना है। कैसे होगा? जितना कर सको कर रहे हैं तो एक्सरसाइज का भी फायदा होगा, वो अवगुण भी खत्म हो जाएगा। पहले एक पैर से फिर दूसरा पैर, ऐसे पैर को चेंज करते रहेंगे। फिर है नाव चलाना। अभी चोर को तो खत्म कर दिया, अवगुण भी खत्म हुए, अब नाव चलाना है, जैसे सचमुच नाव चलाते ऐसे। इन क्रियाओं में कुछ लोगों को यहां दर्द होने लगता है क्योंकि मूवमेंट हमने की नहीं, तो भले कम करो, जैसे नाव चलाना इतना ही कर दो भले। जिन्हें दर्द नहीं होता है पूरा कर सकते। और सचमुच सोचो कि जीवन रूपी नैया प्रभु के हवाले कर दी है, प्रभु मेरी नैया को जरूर पार ले जाएगा। एक लड़की की शादी हुई तो लोग बोटिंग करने के लिए गए, तो रास्ते में जोर से आंधी आई तो चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कुछ करो, हम लोग मर जाएंगे, बचाओ। जब वो चिल्ला रही थी तो भी लड़का शांति से बैठा था, तो और गुस्से में आ गई कि तुमको डर भी नहीं लगता है, कुछ कर नहीं रहे हो, तो भी वो लड़का शांत रहा। फिर से चिल्लाने लगी तो उसने धीरे से खिसे में से धारदार छुरी निकाली और उसके गले पे रख दी और कहा, डर लगता है? उसने कहा, नहीं, क्योंकि अभी आप गुस्से में हो इसलिए ऐसा कर रहे हो, परंतु मेरे पति भी हो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे हानि नहीं पहुंचाओगे। तो लड़के ने तुरंत जवाब दिया, ऐसे ही भगवान भी अभी गुस्से में है इसलिए इस नाव को हिला रहा है, परंतु मेरा पिता भी है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो नैया को हिलाएगा परंतु डुबोएगा नहीं। तो बस जब ये क्रिया करते हो तो ये भाव लाओ, अपनी समस्या के बारे में सोचो कि बच्चों का प्रॉब्लम है, यह समस्या है, भगवान मेरी नैया को हिला रहा है परंतु वो मैंने ईश्वर के हवाले कर दी है, वह मुझे जरूर उस पार ले जाएगा, इस समस्याओं का समाधान बताएगा। फिर ये सब क्रियाएं क्यों करनी पड़ती है पता है? पहले के जमाने में मेरी माँ कहती है कि तीन बहुएं थी तो तीनों की सवेरे सवेरे ड्यूटी लगती थी कि क्या करना है, चक्की चलानी, आटा पीसना है। अभी आटा पीसना बंद हो गया तो हमको अभी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिसको कहा चक्की चलाना। कैसे करेंगे?
स्लोली पूरा देखो, स्लोली घूमना है फुल, जैसे कि सचमुच चक्कर लगा रहे हो, और चिंता ऐसे ऐसे नहीं करना है, क्या ऐसे ऐसे कर। चिंतन क्या है कि यह सृष्टि भी एक चक्र है, जैसे रात और दिन का चक्र है, ऋतुओं का चक्र है, ऐसे सृष्टि भी एक चक्र है कि जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चार युग है। अब कलयुग का अंतिम समय है, मुझे अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना है ताकि सतयुग के लायक मैं बन सकूं। उस कमेंट्री को ध्यान से सुनना, उसी में खो जाना है। और बहुत ही अच्छा है कि अभी भी जो सूक्ष्म विकृतियां रह गई है उसको खत्म करना है, जिसको कहा कि नकारात्मक कंपनों को अलविदा, ऐसे ऐसे करना है। और सचमुच सोचो कि काले रंग के, ब्राउन रंग के वाइब्रेशन सारे बाहर जा रहे हैं, जिनके लिए स्टेबिलिटी है पैर से भी करो, कि पैर से भी नेगेटिव वाइब्रेशन को सारा दूर भगा देना है। बाजू वाले पे नहीं डालना। और सचमुच विचार करना है, जब ये करो ना तो सोचो डायबिटीज गया, सरदर्द गया, सरदर्द भाग जा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर भाग जा भी बोलो, भगाना भी है ना उसको। हाँ, मन में सोचो। कई लोग कहते क्या इससे भाग जाएगा, प्रेरणा तो जरूर मिलेगी कि इसको भगाना, जीवन शैली में परिवर्तन करेंगे तो जरूर ये बीमारियां भाग जाएगी। फिर है वरदान प्राप्त करना, या सोचिए कि सचमुच भल परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, परंतु उनका एक अव्यक्त शरीर भी, एक प्रकाश का शरीर है, वो प्रकाश के शरीर के साथ आपके सामने खड़े हैं, और उनसे आप वरदान प्राप्त कर। देखो ठीक से देखना, सचमुच वरदान लेने हैं और फिर हमारे शरीर में उसे भेजना है ताकि हम शक्तियों से भरपूर हो जाए। सर पे पूरा थोड़ा टच भी करो, बोले वरदान मिल गया, अभी वो एक एक अणु अणु में प्रवेश कर रहा है। और जिस चोर का आपने गला दबा के मार दिया, उसी से विपरीत वरदान चाहिए। जैसे क्रोध को आपने मारा तो धैर्यता आ रही है, सोचो परमात्मा से धैर्यता का वरदान मिल रहा है, सहनशीलता का वरदान मिल रहा है, और आप भरपूर हो रहे हैं। फिर है फरिश्ता बनना, हाथ ऐसा सीधा नहीं रखना, ऐसे रखना, और सचमुच सोचिए कि मैं हल्का सा फरिश्ता बन गया और मैं उड़ रहा हूं। सचमुच सोचिए कि मैं उड़ रहा हूं और नगर के ऊपर उड़ करके सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहा हूं, सभी को मेरा दिव्य प्रकाश दे रहा हूं, सभी को मेरा एक प्रकाश के स्वरूप का साक्षात्कार भी हो रहा है। और फिर जब गीत बजना शुरू हो तो फास्ट भी कर सकते, ऐसे है ना, जब गीत बजेगी सचमुच मैं फरिश्ता हो गया हूं, उड़ रहा हूं, मैं उड़ रहा हूं। और वो कमेंट्री पर ध्यान देना। फिर अंतिम जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वह है मोर की तरह उड़ना, यही पोजीशन है। और हाथों को ऐसे करना है, मुंह को बड़ा करना है, आंखों की भी बड़ी करनी है, चेहरे के लिए बहुत अच्छा ऐसे। और बोलना नहीं, मन ही मन सोचना, यह सोचते हैं वाह मेरा भाग्य वाह। अभी भले बोलो, जब कमेंट्री बजे तब नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे, वाह मेरा भाग्य वाह। फिर बोलते हैं, कमेंट्री में आएगा भी है, फिर है कि वाह भगवान वाह, मुझे इतना अच्छा पार्ट दिया आपने।
वाह भगवान वाह। और तुरंत फिर ध्यान करना है। अच्छी तरह से करेंगे ना, इसी में भी आपका ध्यान लग जाएगा। और तुरंत आप ध्यान करो, बहुत अच्छा ध्यान लगेगा। आज भी तुरंत फिर हम ध्यान करेंगे।